हेलो फ्रेंड्स, अभी अभी मैंने एक मूवी देखी। हालांकि वो साउथ इंडियन मूवी थी जो हिंदी डब में आई थी। मूवी रिसेंटली आई थी, सो मैंने उसको देखा हिंदी डब में। स्टारिंग बाय उस मूवी का नाम चेक था। स्टारिंग बाय नितिन रेड्डी, प्रिया प्रकाश और राकुल प्रीत सिंह और बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं इस मूवी में। बेसिकली जब इस मूवी का ओरिजिनल लैंग्वेज में जब ट्रेलर आया था, तो मैं जब इस देखिए जो भी ऐसी थ्रिलर किस्म की मूवी होती है ना, जो भी एक्टर्स मुझे अच्छे लगते हैं, तो उनका उनकी मूवीज़ का मैं ट्रेलर नहीं देखता। मेरे हिसाब से लगता है जो ट्रेलर्स होता है ना, वो भी काफ़ी स्पॉइलर आपको दे देता है। इसलिए मैंने सोचा कि ट्रेलर को मत देखो, सो डायरेक्ट मूवी देखना। सो बेसिकली जब मैंने मूवी देखना स्टार्ट की, तो मेरी एक्सपेक्टेशन ये थी कि मैंने लास्ट टाइम जो भीष्मा मूवी देखी थी नितिन की, उस मूवी में वो रोमांटिक कॉमेडी एक्टर थे। हमेशा की तरह पिछली काफ़ी जो मूवीज़ हैं वो उनकी रोमांटिक कॉमेडी मूवीज़ हैं, तो मैंने चेक से भी यही एक्सपेक्ट किया था कि यही। तो फिर जब मूवी स्टार्ट हुई, तो मूवी स्टार्ट होते ही जो पहला सीन मैंने देखा इस चेक मूवी का, सो मुझे ऐसा लगा कि यार ये क्या देख रहा हूँ मैं। सीन की ओपनिंग में टेररिस्ट आते हैं और उनको कोर्ट की तरफ से, मतलब अदालत की तरफ से उनको फांसी की सज़ा ऑलमोस्ट दी गई होती है, और उसमें उनमें से चार लोग जो होते हैं वो टेररिस्ट होते हैं रियल में, और नितिन उनके साथ होते हैं। मैंने सोचा यार ये क्या, आप जेल में जाके रोमांस करेगा क्या नितिन? लेकिन जिस तरीके से मूवी आगे बढ़ती है, जिस तरीके से इंटेंसिटी और जिस तरीके से सस्पेंस इंटरवल से पहले पहले जिस तरीके से वो डाले गए थे ना एलिमेंट्स, और जिस तरीके से वो जेल में जाते हैं वो लोग, और जिस तरीके से नितिन रेड्डी का सामना मुरली शर्मा से होता है, मुरली शर्मा वो जेल के एसपी होते हैं, तो एक फ्रेंडली माहौल जो उन मुरली शर्मा के साथ बन जाता है, तो वो काफ़ी मुझे अच्छा लगा किसी हद तक उस मूवी में। मूवी जैसे जैसे आगे बढ़ती रहती है, 15-20 मिनट के बाद जब वो एक चेज़ वाला आदमी जब उसी जेल में नितिन रेड्डी जब उसे देखता है, तो सोचता है कि क्यों ना। देखिए काफ़ी लोग जो होते हैं ना जेल में रह कर भी वो क्रिएटिव लोग होते हैं। लास्ट अभी भी मैं शार्टन कराऊँ, तो शार्टन का जो बानी है उसमें भी शार्टन जो है वो एक कहते हैं ना वो सर पिटमैन, पिटमैन उनका नाम है, सर आइज़क पिटमैन। तो वो भी उन्होंने जो शार्टन बनाया था लैंग्वेज, शार्ट लैंग्वेज है जो स्टीरियोटाइपिस्ट लोग करते हैं, उन्होंने भी वो जेल में वो क्रिएटिव काम किया था। तो तकरीबन जो मैंने देखा है कि क्रिएटिव जो दिमाग में आइडियाज़ होते हैं ना, वो या तो आपको बाथरूम में आते हैं या तो वो जेल में आते हैं, क्योंकि वही वो काम होता है। लेकिन जिस तरीके से वो क्रिएटिव बनता है, एक साधारण आदमी से लेकर वो चेज़ तक किसे पहुंचता है, चेज़ किस तरीके से उसकी ज़िंदगी में आती है, ये तो हो गई एक चेज़ और नितिन का रिश्ता जेल में कैसे बनता है और कैसे वो आगे बढ़ाता है इस रिश्ते को। लेकिन जिस तरीके से नितिन की पिछली ज़िंदगी होती है बचपन से, कि वो टेररिस्ट कैसे बना, हालांकि टेररिस्ट होता है या नहीं, वो किस तरीके से जेल में आता है, कौन सा उसका पिछला जो एक पास्ट रहा था जिस वजह से वो आया था, बचपन से वो एक अनाथ आदमी, अनाथ बच्चा था, जिस तरीके से वो भागता है आश्रम से, जिस तरीके से वो एक जादू सीखता है, छोटा जादू होता है वो, वहाँ पे पलता बढ़ता है वो। सो बेसिकली जब ऐसे ऐसे एलिमेंट्स आते रहते हैं बीच बीच में, तो आपका जो इंटरेस्ट है भी मूवी के लिए, मूवी की तरफ और बढ़ जाता है। तो आपको ये मूवी इंटरेस्टिंग लगती है, हाँ, इंटरवल से पहले पहले, इंटरवल से पहले पहले राहुल प्रीत सिंह वो जो लायर का एक रोल निभा रही थी, और वो नितिन का वो कहते हैं डिफेंस लॉयर बनी हुई थी, उसको सब साबित करना होता है कि वो टेररिस्ट नहीं है रियल में। लेकिन जेल से बाहर जो जिससे वो नितिन सीखते हैं चीज़, उसको गुरुजी कहते हैं, और जिस तरीके से वो गुरुजी को निकालते हैं, मतलब एसपी मुरली शर्मा जो होते हैं उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि मैं उन्हें निकाला जाए, वो जिस तरीके से वो मानते हैं, तो फिर वहाँ पे एक प्लान भी बनता है, जिस जो वो प्लान बनाता है वो लास्ट तक, वो लास्ट में जो सीन आते हैं वो आप देखेंगे कि जिस तरीके से वो निकालता है और किस तरीके से वो आपस में कनेक्शन है इंटर से पहले पहले और लास्ट वाला जो सीन था। सो बेसिकली ये होता है गुरुजी, गुरुजी की वजह से वो चेस सीखता है, चेस सीखने के बाद वो चेस चैंपियन बन जाता है स्टेट लेवल तक। वो इसलिए बन जाता है कि जज की बेटी जो होती है वो कोर्ट के बाहर खेलती है, वहाँ पे कोर्ट पे उसकी सुननी होती है, वो क्या कहते हैं, वो लेके जाती है राहुल प्रीत सिंह, वहाँ पे वो चेस स्टेट लेवल चैंपियन देखते, वहाँ पे उसको
हरा देते, वहाँ पे लोग काफ़ी इम्प्रेस हो जाते हैं नितिन से कि एक स्टेट लेवल चैंपियन वो भी जज की बेटी को हरा देते हैं। उसके बाद काफ़ी काफ़ी एलिमेंट्स आते हैं, बीच में एक लव इंटरेस्ट भी दिखाया गया है पास्ट में, प्रिया प्रकाश एक नितिन की लव इंटरेस्ट है। जब जेल जाने से पहले पहले नितिन का जो पैशन था वो एक चोर का है, चोर के हिसाब से था, वो चोरी करता है और जिस तरीके से फ्रॉड करता है वो भी दिखाया गया है। इंटरवल के बाद बाद जब वो एक स्टेट लेवल चैंपियन के बाद वो एक कॉमनवेल्थ चैंपियन बन जाता है मेरे हिसाब से, और जिस तरीके से वो अज्यूम करता है काल कोठरी में उसको बंद किया जाता है, जिस तरीके से वहाँ पे वो रोशनी आती है काल कोठरी में, तो उसको अज्यूम करके वो एक वो चेज की टाइप वो अज्यूम करता है। और फिर बाहर आकर जब वो गुरुजी से खेलता है तो गुरुजी समझ जाता है कि ये बंदा कुछ ना कुछ सीख के आया है काल कोठरी से। और वहाँ पे जेल में भी काफ़ी एलिमेंट्स होते हैं, वो ट्रिगर नाम का लड़का आदमी होता है जो उससे लड़ता रहता है, चेज जो है वो इसकी रियल ज़िंदगी बन जाती है, और चेज की वजह से काफ़ी लोग उसकी रिहाई के लिए अपील करते हैं, बहुत सारे 70% इंडिया के का लोग जो अपील करते हैं कि इसको माफ़ कर दिया जाए। काफ़ी सुनवाई होती है अदालत में लेकिन वो काम नहीं बनता, जिस तरीके से वो लोग कहते हैं प्रेसिडेंट को, क्योंकि प्रेसिडेंट ही होता है जो एक फांसी को रोक सकता है किसी भी आदमी के लिए। उसके बाद वो लेकिन जिस तरीके से मुरली शर्मा बाद में जाता है, उसकी उसका ट्रांसफ़र हो जाता है, उसके बाद जो काफ़ी चीज़ें हैं वो बिगड़ जाती हैं। मेरे हिसाब से वो संपत राज था जो आता है, वो काफ़ी अच्छे एक्टर हैं संपत राज, और जिस तरीके से वो एसपी का उन्होंने रोल निभाया है, वो इसलिए जब आते हैं ना नितिन से मिलने, नितिन से रूडली बात करते हैं क्योंकि जो टेररिस्ट अटैक हुआ था उसमें उसका भाई भी मर गया था, तो इसी वजह से उससे कोई भी कहते हैं ना वो नरमी पेश नहीं करते नितिन से उसके लिए, वो काफ़ी ख़तरनाक था। उसके बाद नितिन की ज़िंदगी काफ़ी मुश्किल हो जाती है जेल में, वहाँ पे कुछ लोग भी होते हैं जो नितिन को काफ़ी परेशान करते हैं जेल में, काफ़ी लोग ब्लैकमेल भी करते हैं जिसकी वजह से नितिन परेशान होता है। और मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगा नितिन के अलावा रघुप्रीत सिंह की। देखिए अगर आप इंटेंसिटी वाली मूवी जो एक बाकायदा इंटेंस क्रिएट करती है उस मूवी के फैन को काफ़ी आप इम्प्रेस नहीं होंगे, लेकिन जिस तरीके से नितिन की मूवी में पिछली देखी थी भीष्मा, तो भीष्मा से काफ़ी हद तक मुझे नितिन इम्प्रेस किया क्योंकि मैं काफ़ी साल उन्होंने ये ऐसे रोल किए थे, लेकिन जिस तरीके ये रोल निभाया मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और जिस तरीके रकुलप्रीत सिंह ने लॉयर का रोल प्ले किया है और जिस तरीके से इंटेंसिटी उन्होंने शो की है मुझे काफ़ी हद तक वो भी पसंद आई। प्रिया का रोल थोड़ा सा छोटा है और वो बैकग्राउंड में दिखाई जाती है, लेकिन जितना भी था वो काफ़ी मुझे ओके ओके लगा, लेकिन रकुलप्रीत सिंह का रोल मुझे बहुत अच्छा लगा। जिस तरीके से लास्ट वाला सीन्स जो थे क्लाइमेक्स आते आते जो भी सस्पेंस क्रिएट होता है, जो भी सस्पेंस ओपन होता है, जिस तरीके से लास्ट में क्लाइमेक्स से पहले पहले वो एक वर्ल्ड चैम्पियन से खेलता है चेस, वो भी इम्प्रेस हो जाता है नितिन से। लेकिन जो भी जादू वो सीखा था बचपन में नितिन ने, वो जादू उसको क्लाइमेक्स में काम आता है, लेकिन जिस तरीके से क्लाइमेक्स शूट किया गया काफ़ी हद तक मुझे इम्प्रेस किया क्लाइमेक्स ने, और बहुत ही कमाल लाजवाब मूवी लगी मेरे हिसाब से। आप लोगों को कैसे लगा वो कमेंट में आप बताएंगे, लेकिन नितिन की ये मूवी भीष्मा के बाद जो मैंने देखी उसका रोल, उसका एक्शन भी काफ़ी था और वो भी मुझे पसंद आया, इंटेंस लुक था नितिन का भीष्मा के बाद, और जिस तरीके से उसने कहते ना अपने रोल में कन्वर्ट कर दिया है भीष्मा के बाद, तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी चेक मूवी। आपको कैसी लगी कमेंट में बताएं, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।